अस्सलामुअलैकुम, मैं फैसल इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फैसल शोर कोटिया। तो आज का जो व्लॉग है वो आज आपको एक हिस्टोरिकल चीज़ दिखानी है। तो हमारा जो ज़िला है टोबा टैक्सिंग, तो उसकी आपको आज तारीख बताते हैं। तो आपको लेकर चलते हैं टोबा रेलवे स्टेशन पे, उसकी कुछ आपको तारीख बताते हैं और एक बाबा जी से मेरी बात हुई है तो उनकी मुँह ज़बानी आपको सुनाते हैं कि उसकी तारीख के टोबा टैक्सिंग कैसे वजूद में आया, इसका नाम कैसे रखा गया, इसके नाम रखने के पीछे क्या वजूहत थी और आपका फिर इसकी सारी डिटेल बताते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको आसानी मिलते हैं। चलो स्टार्ट द वीडियो। 1982 में ज़िला फैसलाबाद से अलहदा करके अलग ज़िला बना दिया गया। इस शहर का नाम एक सिख मजहबी शख्सियत टैक्सिंग के नाम पर रखा गया। कहा जाता है कि आप इस जगह से गुजरने वाले मुसाफिरों को पानी पिलाया करते थे, इसी वजह से इस शहर का नाम इनसे वाबस्ता है। टोबा टैक्सिंग का रकबा 3252 मरबा किलोमीटर है। सन 1998 की मर्दमशुमारी के मुताबिक यहाँ की आबादी 1,62,1593 है। इसकी चार तहसील कमालिया, गोजरा, पीरमहल और टोबा टैक्सिंग हैं। इसके करीबी अहम कस्बों में अरोती और रजाना शामिल हैं। टोबा टैक्सिंग एक खूबसूरत और दिलकश शहर है। तो चलिए आपको कुछ इमारतें दिखाते हैं। ये एक बहुत ही कदीम इमारत उसी दौर से बनाई हुई है, पाकिस्तान बनने से पहले। इसकी आप तारीख चेक करें, इसकी ईंटें आपको बताएं, इसकी तारीख बताएंगी कि ये कितनी पुरानी हैं। आए आपको घड़े दिखाते हैं जिनमें टैक्सिंग मुसलमानों को और मुसाफिरों को पानी पिलाया करते थे। ये देखें घड़े, आज तो नहीं है आज की तारीख में, लेकिन ये एक निशानी के तौर पर उन्होंने बना के रखे हुए हैं कि उनकी खिदमात को याद रखा जाए। और ये आपको दिखाता चलूँ, ये एक कुआँ है जो भी, ये भी उनकी याद में बनाया हुआ है। ये कुआँ भी असल हालत में मौजूद नहीं है, ये भी सिर्फ़ एक निशानी के तौर पर बनाया हुआ है जो कि टैक्सिंग मुसलमानों को और जो मुसाफिर होते थे रेलवे स्टेशन पर उनको पानी पिलाया करते थे। इनकी इन्हीं खिदमात की बिना पर इस शहर का नाम टैक्सिंग से टोबा टैक्सिंग रखा गया, क्योंकि टैक्सिंग इनका नाम था और टोबा कहते हैं कुएं को, तो टोबा टैक्सिंग इस शख्सियत के नाम से मशहूर हो गया। आइए आपको इनकी तस्वीरें जो रेलवे स्टेशन में लगी हुई हैं वो दिखाते हैं। ये आपको दिखाता चलूं, ये स्टेशन के अंदर जो लगी हुई हैं तस्वीरें, ये असल तो नहीं है, ये पेंटिंग बनाई हुई है। ये आप इसमें देखें, चेक करें, ये जो बैठे हैं ये टैक्सिंग हैं और इनके पास जो घड़ा पड़ा है इसमें से पानी पिलाया करते थे। तब कोई ख़ास इतना रेलवे स्टेशन नहीं था, तब सिर्फ ये यहाँ से ट्रेन गुजरा करती थी और ये इनको पानी पिलाते थे। ये आप देखें, एक जदीद ज़माने की ट्रेन है और एक पुराने ज़माने की कोयलों पे चलने वाली ट्रेन, ये भी दिखाई हुई है कि उस ज़माने में टैक्सिंग बैठा करते थे यहाँ पे, जो इंसानियत की और मुसलमानों की खिदमत में जिन्होंने ज़िंदगी अपनी सर्व की। और इसके आप गार्डर वगैरह चेक करें, छत वगैरह, ये कितना पुराना है और आज तक ये कितनी मजबूती के साथ ये रेलवे स्टेशन आज तक खड़ा हुआ है। तो कुछ तारीख मैंने एक बाबा जी से पूछी, आए उनकी ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। ये है टोबा टैक्सिंग, ये शहर सिख ने बनाया है, कुआ था पानी का। हाँ जी, एक गड़ा था उसको पानी पियाता था। सही, अंग्रेज गुजर रहे थे, उसने उन्हों को पानी पिलाया। उसने क्या आपकी क्या खोया शहर, उसने कहा मेरे नाम पर टोबा टैक्सिंग रखा जाए। सही, अब इस शहर का नाम टोबा टैक्सिंग, टोबा टैक्सिंग है। आए आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। ये मैं सीढ़ियाँ जिसकी चढ़ रहा हूँ, ये कोई कदीम और तारीखी चीज़ तो नहीं है, लेकिन इन्होंने ये भी रेलवे स्टेशन की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए बनाई हुई है। ये आप देखिए, यहाँ से चढ़ के आपको पूरा स्टेशन नज़र आएगा, पूरे स्टेशन का मंजर आपको तकरीबन नज़र आएगा। आपको ये मैं दिखाता चलूँ, ये जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये तकरीबन स्टेप्स की तरह इन्होंने बनाई हुई है, लेकिन ये चीज़ मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। यहाँ से खड़े होकर आपको तकरीबन पूरा ये टोबा का स्टेशन, टोबा टैक्सिंग का दिखाई देगा। उर्दू के मशहूर अफसाना निगार सादत हसन मिंटू ने टोबा टैक्सिंग के उनवान से एक अफसाना भी तख्लीक किया है, जिस पर Zee5 ने एक फ़िल्म भी बनाई है। एक मशहूर PTV ड्रामा सीरियल बूटा फ्रॉम टोबा टैक्सिंग इसी शहर के नाम पर बनाया गया है। कोई नहीं, तुसी वे भाइयों, कोई नहीं, नहीं, नहीं। तो यहाँ पे हम करते हैं आज की वीडियो का, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बान, पाकिस्तान जिंदाबाद।